आप सबको ओडिशा किचन इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक टेस्टी और डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये बहुत कम टाइम के अंदर बन जाता है। इसको आप इस प्रोसेस में एक बार घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। तो आइए देख लेते हैं सूजी के हलवा के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर इस कप में मेजरमेंट करके सूजी लिया हूँ, ये 100 ग्राम होगा। और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर चीनी लिया हूँ, 3 से 4 चम्मच बड़ा चम्मच चीनी लिया हूँ। आप यहाँ पर चीनी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, फ्राई करने के लिए 1 से 2 चम्मच ऑयल, ज़रूरत के हिसाब से पानी। मैं इस कप में पानी के मेजरमेंट करके ऐड करूँगी। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा काजू और आलमंड लिया हूँ। आप यहाँ पर इसका क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। चलिए पहले कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया है। मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। मैं यहाँ पर कैसू नट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, उसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा काजू अच्छे से फ्राई हो गया है। और यहाँ पर मैं जो रखा था सूजी, यहाँ पर इसको और उसको अच्छे से मिला लेते हैं। और उसको स्लो फ्लेम में हम 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, जैसे कि सूजी का कलर चेंज हो जाए। और इसको इस टाइप में कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से सूजी जल जाएगा। देखिए यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है, लेकिन हम इसको और थोड़ा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर इसका शुगर सिरप बनाते हैं। और यहाँ पर जिस बाउल में, जिस कप में मैं सूजी का मेजरमेंट किया था, उसमें मैं पानी का मेजरमेंट करके यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टोटल 2.5 कप पानी इसमें ऐड किया हूँ और इसको थोड़ा देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर पानी गर्म हो गया है। मैं यहाँ पर चीनी को ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं, जैसे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैं यहाँ पर रखा हुआ इलायची का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक को भी इसमें ऐड कर लेता हूँ और उसको 1 मिनट के लिए चला लेता हूँ। देखिए ये अब रेडी हो गया है और उसको साइड में रखते हैं। देखिए यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है और ये एकदम ब्राउन कलर में आ गया है। और इससे ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। और इसको अच्छे से फ्राई करने के लिए मेरे को 5 से 7 मिनट लगा है गैस का फ्लेम को स्लो करके। और यहाँ पर हम ये बनाया हुआ शुगर सिरप इसमें ऐड कर लेते हैं और उसको अच्छे से सूजी के साथ मिला लेते हैं। और इसको कवर करके छोड़ देते हैं। इसको कवर करके गैस का फ्लेम को मीडियम करके इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और थोड़ी देर बाद इसको हम चला लेते हैं और इसको फिर से कवर करके छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और इसको मैं बीच में चला दिया था। ये अब एकदम से रेडी हो गया है बन के हलवा, देखिए। और उसके अंदर से भी बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और यहाँ पर इसको कवर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लेंगे।
देखिए यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी सूजी का हलवा बन के रेडी है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काशू नट और आलमंड के साथ इसको सर्व कर रहा हूँ। और इसको आप घर पर ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसको आप सुबह के नाश्ते में और बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस टाइप का अच्छा अच्छा रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा, जैसे कि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।